हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो टैक्स का कैसे अपडेट्स आएगा और डिस्कस कराता हूँ। और पहली बात तो मैंने सब टाइप का प्रॉब्लम अपलोड कर दिया अब तुम लोग के लिए, ज़रा चेक कर लेना। चलो पाव पाव करके चालू कर दो, आ जाओ। अब सबसे पहले क्या दिया बच्चों लोग, बिजनेस सेटअप हुआ है 1/10, मतलब कभी स्टार्ट हुआ, मतलब बीच में चालू हुआ, तो प्रीवियस मतलब पहले जाने का, प्रीवियस बोले तो पहला, तो फिर इसके पहले वाला मार्च, मतलब 31 मार्च है ना, कौन सा रहेगा 31 मार्च, ये प्रीवियस ईयर है। और इसका असेसमेंट ईयर क्या रहेगा, 24 रहेगा। क्या रहेगा, 24। प्रीवियस ईयर पहले आता है और असेसमेंट ईयर बाद में रहता है, और ये जो चलता है उसको करंट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, करंट। ये करंट ईयर है ना, तो प्रीवियस ईयर पहले आएगा। डैश मीन पीरियड ऑफ 12 मंथ, क्या बोला है, 12 मंथ फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जो फर्स्ट डे अप्रैल से चालू होता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, असेसमेंट ईयर। और लास्ट ईयर को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। अमाउंट रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट मिला, पार्टनर का जो भी प्रॉफिट है वो एग्जम्प्ट है, मतलब पार्टनर के प्रॉफिट पर टैक्सेबल नहीं है, अदर सोर्स में एग्जम्प्ट है। क्लब इनकम, मतलब बच्चे लोगों का इनकम क्लब किया जोड़ के रखा है तो कितना हद तक माफ होएगा वो, तो बच्चे लोगों का माइनर चाइल्ड का इनकम 1500 है, कितना माफ होएगा, 1500। एम्प्लॉयड पेड फीस फॉर रिफ्रेशर, मतलब मालिक ने क्या किया, पैसा भरा, कहेगा चाय पानी समोसा, तो वो क्या है, मैनेजमेंट कोर्स, तो ये नॉन टैक्सेबल होता है, तो चाय पानी का पैसा टैक्सेबल नहीं है। म्यूनिसिपल रिलेटेबल वैल्यू, तो म्यूनिसिपल का जो वैल्यूएशन रहता है उसका भाड़ा कौन बनाता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कौन भाड़ा बनाता है, म्यूनिसिपल। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ, ऑब्वियसली ओनर के अंदर टैक्सेबल होता है, किसके अंदर, ओनर के अंदर। रेंट रिसीव फ्रॉम ओपन प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब जो एक जमीन है उसको भाड़े पे दे उधर से रेंट आया, तो वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, अदर सोर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, है ना। लेटर्ड बोले तो घर की प्रॉपर्टी भाड़े पे देते हैं ना, रेजिडेंशियल उसको बोलते हैं, ये तो ओपन प्लॉट दिए है। ओके, अंडर प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन डैश एक्सपेंसिस नॉट डिडक्टेबल, तो सैलरी डिडक्टेबल होता है, एम्प्लेसमेंट कैश होता है, डोनेशन नहीं होता है ना, डोनेशन क्या है, एक्सपेंडिस ऑल ऑफ है। सिल्वर, सोना चांदी, एसएससी ने कितना होल्ड किया लेस देन, इसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे, तो 36 महीने है, कितना, 36 महीने से कम तो शॉर्ट टर्म में आता है, 36 महीने से ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म में आता है। टिप्स रिसीव बाय होटल वेटर इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ, तो जो भी टिप्स मिला वो अदर सोर्स में आएगा, कितना रहेगा, अदर सोर्स। और हेल्थ चेकअप का मैक्सिमम डिडक्शन कितना है, 5000, कितना है, 5000। हेल्थ चेकअप का मैक्सिमम डिडक्शन 5000 है। ट्रू ऑफ फॉल्स में क्या बोले, सैलरी रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, फॉल्स, टैक्सेबल है वो, क्या वो, टैक्सेबल। डिडक्शन अंडर ATC इज अलाउड टू एक्शन ऑफ 1,40,000, फॉल्स। ATC का लिमिट है 1.5 लाख भाई, ATC का लिमिट कितना है, 1.5 लाख, ये ऊपर नहीं तो नीचे फिक्स आने वाला है। कैशुअल इनकम रिसीव बाय SS इज फुली एग्जम, नहीं टैक्सेबल होता है, क्या था वो, कोई भी इनकम मिला वो टैक्सेबल होता है। कन्वर्शन ऑफ पर्सनल इफेक्ट इनटू स्टॉक, जो अपना चीज है उसको स्टॉक में कन्वर्ट किया। सैलरी सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन, नहीं कैपिटल गेन बोले तो जो इन्वेस्टमेंट 6-8 महीना 1 साल 2 साल 3 साल होल्ड करते हैं उसको बोलते हैं, तो ये सब पर्सनल चीज को स्टॉक में डालो उसको नहीं बोलेंगे। ओके, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, बैलेंस ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल अंडर द हेड फ्रॉम अदर सोर्स, यस ट्रू, जो लीव ऑफ सैलरी है वो अदर सोर्स में आता है, किधर आता है, अदर सोर्स में। नेट एनुअल वैल्यू, मतलब नाउ जो हाउस प्रॉपर्टी में करते हैं ना, कैन बी नेगेटिव, यस नेगेटिव आ सकता है। अ पर्सन मे नॉट हैव एक्सेसिबल इनकम बट स्टिल इज एन एसएससी, यस मतलब वैसे टैक्स देने वाला बंदा है और उसका इतना इनकम नहीं रहेगा। सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो एग्रीकल्चर है तो एग्जम्प्ट होता है, क्या होता है, तो ट्रू ही है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनली है, मतलब एक एक जन दो दो जन लोग मिलकर रहते हैं, एसएससी लोग रहते हैं। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, वो अदर सोर्स में आता है, सबलेटिंग आएगा ना, सबलेटिंग तो हाउस अदर सोर्स में आता है, किस में आता है, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता, सबलेटिंग अदर सोर्स में आता है। कैपिटल गेन अराइजेस ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, यस जो भी कैपिटल एसेट होता है, घर बेचते हैं ना 10 साल 20 साल के बाद, उसके हिसाब से देखो। कमिटेड टैक्स, जो कमिटेड पेंशन है ना वो एग्जम्प्ट है, कमिटेड वाला एग्जम्प्ट है, और अनकमिटेड वाला टैक्सेबल, मतलब ये ट्रू लिखा, क्या लिखा, ये ट्रू। और ये भी जितने भी प्रॉब्लम है बच्चे लोग सब सॉल्व करके मैंने अपलोड कर दिया, बस तुमको प्रैक्टिस करना है। पास होने के लिए 3 टॉपिक करो, सैलरी करो, हाउस प्रॉपर्टी करो, बिजनेस करो, पास हो गए है ना, अच्छा खासा। बिजनेस 20 मार्क आता है, कितना मार्क आता है, 20। थैंक यू वेरी मच।